हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द डीएसए1 कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच इज रिवर्स अ लिंक लिस्ट। बेसिकली आप लोगों को एक लिंक लिस्ट दे रखी है, आप लोगों को उसको रिवर्स कर देना है। पहले आपकी लिंक लिस्ट थी ऐसी 10, 20, 15 और 4, बाद में आपकी रिवर्स होकर हो जाएगी 4, 15, 20 और 10। पहले हेड पॉइंट कर रहा था 10 को, अब हेड पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, ठीक है, हेड अप पॉइंट करेगा 4 को। तो बेसिकली आपको लिंक लिस्ट दे रखी है, आप लोगों को उसको रिवर्स कर देना है। ये क्वेश्चन यार देखने में बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने देखा है ऐसा इंटरव्यूज के अंदर, मैं जब इसको नॉर्मली दे रहा होता हूं तो काफी सीनियर लोग भी यहां पर चकरा जाते हैं इसे कोड को करते टाइम, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं लिंक लिस्ट के अंदर इतना इनिशियली, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर अगर आप लोगों को पॉइंटर्स को ठीक से समझना है और आपको ये समझना है कि हाँ किस तरीके से मुझे वेरिएबल असाइन करने हैं, टेम्पररी वेरिएबल कैसे असाइन करने हैं सो दैट मेरी नोड खो ना जाए, तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आपकी लिंक लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ दो नोड है 20 to 5, तो आपकी लिंक लिस्ट रिवर्स होकर जाएगी 5 to 20। पहले हेड पॉइंट कर रहा था 20 को, अब हेड पॉइंट करेगा इस 5 को। सिमिलरली अगर लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड है 10 जो कि हेड है, तो वही नोड रहेगी, क्योंकि अगर एक ही नोड है तो उसको आप रिवर्स करोगे तो वही नोड रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिकली रिवर्स अ लिंक लिस्ट काफी फेमस, काफी जेनेरिक प्रॉब्लम है, इसको आज हम देखने वाले हैं। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका इटरेटिव तरीका, एक होता है रिकर्सिव तरीका। दोनों के दोनों तरीके आज हम देखने वाले हैं। लॉजिक बहुत ही सिंपल रहने वाला है इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी लिंक लिस्ट के साथ जहां पर सिर्फ एक ही नोड है। अगर एक ही नोड है और से मैं कह दूं आपको कि चलो रिवर्स करो, तो आप बोलोगे ठीक है भैया रिवर्स ही ऑलरेडी है, तो एक नोड है, हम वही की वही नोड रिटर्न कर देंगे, वही ऑलरेडी रिवर्स्ड है। अब मैं बोलता हूं आपको चलो आपके पास एक नोड नहीं है, आपके पास सपोज करो दो नोड्स हैं, तब आप क्या करोगे? तो एक नोड वन है, एक नोड टू है। वन का नेक्स्ट जो है वो टू को पॉइंट कर रहा है, टू का नेक्स्ट जो है सपोज करो फिलहाल के लिए नल को पॉइंट कर रहा है, तो आप इसे कैसे रिवर्स करोगे? आप बोलोगे भैया मुझे कि ऐसा करते हैं सेकंड का जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो अब वो नल को पॉइंट नहीं करेगा, अब वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और फर्स्ट का जो नेक्स्ट है जो पहले टू को पॉइंट कर रहा था, अब ये टू को पॉइंट ना करके ये वाले पॉइंट नल को पॉइंट करने लग जाएगा, तो यहां पर हमारी एक लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। पहले 1 to 2 था, अब देख लो 2 to 1 पॉइंटर हो चुका है, तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई है। अब इसके अंदर एक और एलिमेंट को लेकर आते हैं। सपोज करो ये नल को पॉइंट नहीं कर रहा था इनिशियली, सपोज करो ये 3 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, एक थर्ड नोड थी यहां पर, और ऐसे करते करते सपोज करो ये 4 को पॉइंट कर रहा था और यहां पर अब ये नल है, ठीक है। सपोज करो यहां पर 4 एलिमेंट है, तब आप कैसे करोगे? अब आप देख रहे हो ये वाले इतना पार्ट तो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है ना, अब हमें इस पार्ट की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा करते हैं इस पार्ट की टेंशन लेते हैं, ठीक है, अब इस पार्ट को रिवर्स करते हैं। लेकिन एक नोड का सिर्फ एक ही नेक्स्ट पॉइंटर हो सकता है, वो तो आपने इसे असाइन कर दिया, तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर तो अब रहा नहीं, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर नहीं रहा, तो आप इस वाले नोड के पास कैसे आओगे? ये वाले नोड का रेफरेंस तो आप खो चुके हो, अब आपके पास इस नोड का कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड का एक रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, इस नोड को ना एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते चलेंगे, ठीक है, टेम्प के अंदर स्टोर करते चलेंगे, सो दैट हमारे पास हमेशा ये नोड का भी रेफरेंस रहे। अब हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को रिवर्स करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, सेम वही कहानी करेंगे जो यहाँ पे की थी हमने। वो क्या किया था हमने कि इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट ना करके, 4 को पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है, और अब आप देख रहे हो ये वाला जो पॉइंटर है ये पॉइंटर खो जाएगा, तो इस पॉइंटर को खोने से पहले ही हम क्या करेंगे, टेम्प जो है वो इसको असाइन ना करके इसको असाइन कर देंगे। तो टेम्प को असाइन करने से हो क्या रहा है कि हम क्योंकि नेक्स्ट को प्रीवियस को पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट नोड अब प्रीवियस को पॉइंट कर रही है, तो आगे वाला जो पॉइंटर है वो खो जा रहा है, ठीक है, आगे वाली नोड खो जा रही है, तो आगे वाली नोड ना खोए इसलिए हम एक टेम्प के अंदर उसे स्टोर करते चलेंगे। हमारे पास टेम्प का रेफरेंस हमेशा रहेगा, हम बोलेंगे अब चला ठीक है, अब ऐसा करते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है अब प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और टेम्प को आगे, पहले टेम्प को आगे पहुंचाओ, उसका टेम्प का नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा दो, ठीक है। अब यहीं पर ना काफी बार क्या होता है कि यहीं पर काफी बार लोग समझ भी नहीं आता उनको कि कैसे यार हम टेम्प के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा रहे हैं लेकिन टेम्प को आगे ही पहुंचा दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो एक बार जरा कोड करके देखो, आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोड करोगे ना तो आप लोगों को तब आपको दिखेगा कि अच्छा यहां पर इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। एक बार सेम चीज जरा जनरलाइज जगह पे देखते हैं, आपके पास सपोज करो A1 से लेकर AN तक एलिमेंट्स थे लिंक लिस्ट के अंदर, A1, A2, A3, A4, बीच में दो एलिमेंट है AK और AK+1, लास्ट का एलिमेंट है AN और उससे पहले है AN-1। आपने सपोज करो A1 से लेकर AK-1 तक इतने पार्ट को रिवर्स कर दिया, किसी भी तरीके से रिवर्स कर दिया, आप मत पूछो कैसे रिवर्स किया, सपोज करो इतना पार्ट ऑलरेडी रिवर्स है, इतना पार्ट लेकिन रिवर्स नहीं है, इतना पार्ट पहले के जैसा ही है, ठीक है, तो हमारा काम बस इतने पार्ट को रिवर्स करने का बच जाता है, इतना पार्ट तो ऑलरेडी रिवर्स है, इतने पार्ट को हम कैसे रिवर्स करने वाले हैं? मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है इस करंट से जस्ट पहले वाली नोड मेरी प्रीवियस नोड होगी, ठीक है, इस नोड से पहले वाली नोड मेरी प्रीवियस नोड होगी, वो हुई AK-1 वाली नोड, राइट। मैं क्या करूंगा करंट के नेक्स्ट को बोल दूंगा कि करंट का नेक्स्ट जो है
वो यहां पर ना जाके करंट का नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा, ठीक है, करंट का नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट करेगा। हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर ऑलरेडी है, अब मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, एक एक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस अब इसको पॉइंट करेगा, करंट इसको पॉइंट करेगा और नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, अब इतना पार्ट हो गया रिवर्स, पहले सिर्फ यहां तक पार्ट रिवर्स था, अब ये वाला पार्ट भी रिवर्स हो चुका है, अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो और छोटी हो चुकी है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, एक एक करके इटरेट करते चलोगे और आगे वाले पार्ट को रिवर्स करते चलोगे, फाइनली आप इस नोड को हेड बना दोगे और यही नोड आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा, एक बार जरा मैं कोड करता हूं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर बहुत ही सिंपल सा कोड कर दिया है, कई बार इसी सिंपल से कोड को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, ठीक है। बहुत ही सिंपल कोड है, रिवर्स करना है, हमने पहले एक हेड लिया है, ठीक है। अगर हम एक हेड ले लेते हैं हमें पूरी इंग्लिश मिल जाती है इस तरीके से। अब हमने क्या किया, करंट नोड इक्वल्स टू हेड, हमने दो पॉइंटर बनाने हैं, एक होगा करंट नोड जो कि अभी फिलहाल इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। करंट नोड तो ये रहने वाली है हमारी हेड नोड, प्रीवियस नोड नल रहने वाली है, करंट के जस्ट पहले वाले नोड को हम बोलेंगे कि वो प्रीवियस नोड है। हमेशा हम इस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे कि प्रीवियस नोड पहले होगी और उसके आगे वाली नोड करंट नोड होगी, ठीक है। तो प्रीवियस नोड और करंट नोड, तो प्रीवियस फिलहाल नल होगी क्योंकि करंट नोड हमारी हेड के बराबर है। उसके बाद वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट हमारा नल नहीं होता तब तक हमें करना क्या है कि टेम्प इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हम इस नेक्स्ट नोड का पॉइंटर को सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो ये वाली नोड है, ये फोर वाली नोड है, ये खो ना जाए कहीं पर, क्योंकि अब हम इस वाले लिंक को तोड़ने वाले हैं। अगर हम ये वाला लिंक तोड़ देंगे तो हमारी ये वाली नोड खो जाएगी। इस नोड को हम खोने से पहले इस नोड को सेव कर लेते हैं, तो इसको मैं टेम्प के अंदर सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये वाली नोड मेरी टेम्प के अंदर अब सेव हो चुकी है, अब मैं इस लिंक को तोड़ सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, करंट ये है, करंट का जो नेक्स्ट मतलब ये वाली नोड जो है, जिस वाले लिंक को तोड़ दूंगा मैं, और ये हो जाएगा प्रीवियस के बराबर। तो प्रीवियस फिलहाल नल था, राइट, तो अब ये नल को पॉइंट करेगा, तो पहली नोड जो होगी अब वो नल को पॉइंट करेगी। और ऐसा होगा भी, जब आपकी पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी तो ये वाली नोड आगे आपकी हेड हो जाएगी और ये वाली नोड जो होगी लास्ट नोड होगी जो कि नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, तो इसका नोड जो है वो नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाएगा, तो प्रीवियस अब यहाँ नल को पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा प्रीवियस, और करंट इक्वल्स टू हो जाएगा टेम्प। अब देख रहे हो करंट अब इसके ऊपर आ चुका है, करंट अब यहाँ ना जाके करंट अब यहाँ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो प्रीवियस के पहले है करंट अभी भी, और अब हम एक आगे बढ़ चुके हैं, हमने इस वाले लिंक को तोड़ दिया लेकिन अभी भी हमारे पास इस नोड का रेफरेंस है क्योंकि हमने पहले इसे टेम्प में स्टोर कर लिया था। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलेंगे, करंट नल तो नहीं है, हाँ करंट नल नहीं है, टेम्प इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो टेम्प इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, तो हम टेम्प को चेंज कर देंगे, बोलेंगे कि टेम्प अब ये नहीं है, करंट का नेक्स्ट विच इज दिस नोड, ये अब टेम्प है, ठीक है। तो अब ये नोड हो जाएगी टेम्प, यह लिंक यहाँ से हट जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, तो ये वाला लिंक हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। करंट का नेक्स्ट जो है वो यहाँ से ना हट के, यहाँ पर ना रह के करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोड थी प्रीवियस, तो करंट का नेक्स्ट अब प्रीवियस हो चुका है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो लिंक आपका रिवर्स हो चुका है। उसके बाद प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, एक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो अब प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा और करंट जो है वो अब टेम्प को पॉइंट करेगा, तो हम एक आगे बढ़ चुके हैं, राइट। अब हम दोबारा से आएंगे, करंट नल तो नहीं है, नहीं करंट नल नहीं है, ओके। तो नोड टेम्प इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है, तो टेम्प अब नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। टेम्प अब नल को पॉइंट करेगा, टेम्प अब यहाँ से हट जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट ना करके प्रीवियस, मतलब इस नोड को पॉइंट करेगा क्योंकि प्रीवियस ही है, तो करंट का नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। अब ये वाला पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, तो प्रीवियस हो जाएगा करंट, मतलब इसके बराबर हो जाएगा प्रीवियस, करंट इक्वल्स टू टेम्प, अब करंट जो है वो नल को पॉइंट करेगा क्योंकि करंट टेम्प जो है वो ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हम आगे चलेंगे, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन आप देख लो करंट तो वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा वो लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स भी हो चुकी है। 7 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 1 को पॉइंट कर रहा है और 1 नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 1 का नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारी ये नोड यहाँ पर रिवर्स हो चुकी है और लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो चुकी है। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस नोड जो होगी वो हमारी हेड बन जाएगी, ठीक है। तो ये नोड हमारी हमेशा हेड बन जाएगी, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, तो हमारी इस तरीके से यहाँ पर लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सा कोड था और ये सारे के सारे केसेस को हैंडल कर रहा है, जितने भी केसेस आप सोच सकते हो। सपोज करो सिर्फ एक नोड की लिंक लिस्ट थी तो उसको भी हैंडल कर रहा है। अगर आपकी नल लिंक लिस्ट थी, मतलब हेड आपका ऑलरेडी नल है, तो आपका हेड नल होता तो करंट नल होता, करंट नल होता तो आपका प्रीवियस भी नल होता, यहाँ पे आपका लूप ब्रेक हो जाता और आप यहाँ पे नल रिटर्न कर देते, तब भी काम करेगा। अगर आपका हेड का नेक्स्ट नल है, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक ही नोड दे रखी है आपको, ठीक है, तब भी आपका लूप काम करेगा, आप चेक कर सकते हो। दो नोड होंगे, 50 नोड होंगे, सभी नोड पर ये काम करेगा वाला लॉजिक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कोड था, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट कि रिकर्सिवली आप इसे कैसे कर सकते हो। रिकर्सिवली भी ये सेम वैसे सॉल्व होने वाला है जैसे हमने इटरेटिवली इसे सॉल्व किया था, ठीक है। कैसे, कि हम इसके अंदर आगे वाली प्रॉब्लम को हम कर देंगे रिवर्स और उसके बाद हम इसे अगली
एक छोटे सा प्रॉब्लम में से तोड़ देंगे, ठीक है। हम पहले भी ये कर रहे थे इटरेटिव के अंदर, हमने आगे वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, उसे हमने प्रॉब्लम को हमने सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया, उसके बाद फिर हमारी सब प्रॉब्लम जो छोटी प्रॉब्लम थी हमें उसे सॉल्व करना था। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे, हम इतने पार्ट को सपोज करो, हमने इतने पार्ट को फर्स्ट पार्ट को हमने रिवर्स कर लिया, उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर देंगे, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे इतने पार्ट के लिए, ठीक है। सपोज करो इतना पार्ट मैंने सॉर्ट रिवर्स कर लिया, उसके बाद मैं इतने पार्ट के लिए रिकर्सिव फंक्शन दोबारा से कॉल कर दूंगा। अब इस फंक्शन का काम क्या है, हमें रिकर्सिव फंक्शन जो होगा, सपोज करो कोई भी फंक्शन होगा, वो रिकर्सिव फंक्शन होगा, उसका काम है रिटर्न करना मुझे नोड, और ये जो नोड होगी ये होगी हमारी हेड नोड ऑफ रिवर्स लिंक लिस्ट, मतलब हेड नोड जो कि ये वाली नोड जो होगी ये रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो ये तो रिटर्न करेगा, ये रिकर्सिव फंक्शन का काम है ये वाली नोड रिटर्न करना, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं न्यू हेड, ठीक है, ये हमारा न्यू हेड होने वाला है, नई रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड मैं कहता हूँ कि न्यू हेड है, इस वाले को मैं बोलता हूँ हेड है, ये हो जाएगा हमारा न्यू हेड, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम है, इस रिकर्सिव फंक्शन का काम है न्यू हेड रिटर्न करना, ये न्यू हेड रिटर्न करेगा, ये अपने आप ही इसे रिवर्स भी कर लेगा इस पार्ट को, हमें नहीं सोचना कि कैसे इस पार्ट को रिवर्स कर रहा है, हमें नहीं सोचना, अपने आप इसका काम है, अपने आप ही एग्जीक्यूट होगा और ये इन लिंक्स को चेंज करके इन लिंक्स में चेंज कर देगा, ठीक है, अपने आप ये कर देगा। अब हमारा काम ये बच जाता है कि हमें इस लिंक को इस लिंक पर करना है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है वो अब इसको पॉइंट करना चाहिए, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया था तो और आपका ये फंक्शन जो है वो आपको ये वाला पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो आपके पास ये वाला पॉइंटर कहाँ से आएगा, ठीक है, ये नोड कहाँ से आएगी, इसको मैं बोलता हूँ हेड, इसको मैं बोलता हूँ हेड नेक्स्ट। अब ये वाली नोड का पॉइंटर हमारे पास कहाँ से आएगा, तो ये वाली नोड का पॉइंटर हमारे पास इस वाली नोड से आ सकता है, कैसे आ सकता है कि ये वाली नोड जो हेड नोड है इसका नेक्स्ट ही तो ये वाली नोड थी, ये वाला पॉइंटर तो कहीं खोया नहीं था, ये वाला पॉइंटर तो आपने सेव कर रखा था, ठीक है, तो ये वाला पॉइंटर आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे कि इसके नेक्स्ट को आप इसे पॉइंट कर दोगे, इसका यूज करके इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट ये इसी को पॉइंट करेगा और इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कर देगा, फिर इसको पॉइंट नहीं करेगा वो, तो आपकी पूरी पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई एक तरीके से, तो आपके ये वाले पॉइंटर सारे सारे गायब हो जाएंगे और आपकी ये पूरी पूरी लिंक लिस्ट देख लो रिवर्स हो चुकी है। तो ये वाला लॉजिक हम करने वाले हैं कोड के अंदर, आपको अगर यहाँ पर कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो टेंशन मत लो, मैं इसे अगर कोड करता हूँ, कोड करने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये रिकर्सिव कोड है हमारा, बहुत ही सिंपल सा ये भी कोड है, इसके अंदर भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना हमें, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसके अंदर आपको एक हेड मिला है, आपने क्या किया पहले चेक किया कि अगर हेड नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है तो उसको आपको एक स्पेशली हैंडल करना पड़ेगा उसे वहाँ पर, ठीक है। क्यों हैंडल करना पड़ेगा स्पेशली मैं बताऊंगा बाद में, पहले जरा मेन लॉजिक को देख लेते हैं। मेन लॉजिक ये है कि सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल कर दिया रिवर्स ऑन हेड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा हेड ये था, हेड के नेक्स्ट पर रिवर्स इसे यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, इतने पार्ट पे हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, वहाँ पे मैंने हेड डॉट नेक्स्ट पास किया, इसका मतलब ये नोड पास कर दिया मैंने, और इस फंक्शन का काम है, इस रिवर्स वाले फंक्शन का काम है ये रिवर्स करेगा, ठीक है, ये बेसिकली इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, आप देख रहे हो ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसे छोड़ देंगे रिकर्सिव लीव ऑफ फेथ पे कि ये अपने आप ही कुछ करेगा और रिवर्स हो जाएगा, ये अपने आप ही कुछ काम करेगा और ये रिवर्स कर देगा लिंक लिस्ट को और रिटर्न करेगा मुझे इस नोड का पॉइंटर, ठीक है, जो कि मैं बोल रहा हूँ उसको मैं डाल रहा हूँ न्यू हेड के अंदर, न्यू हेड के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन का काम है अपने आप इसको रिवर्स कर देना और मुझे रिटर्न करना न्यू हेड, इसने वो काम किया और मुझे रिटर्न कर दिया न्यू हेड, ये न्यू हेड है, उसके बाद मुझे बस ये काम करना है कि ये अब मुझे पता है कि रिवर्स हो चुका है, ये पार्ट रिवर्स हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट नहीं कर रहा, इसका नेक्स्ट इसे पॉइंट कर रहा है और इसका नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट कर रहा है, हेड का नेक्स्ट जो है वो अभी इसको पॉइंट कर रहा है। अब मुझे काम है इस वाले पॉइंटर को चेंज करना, क्योंकि इतना जो लिंक लिस्ट थी वो ऑलरेडी मेरी रिवर्स हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, हेड नेक्स्ट इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब हेड नेक्स्ट जो कि ये वाला पॉइंटर था, हेड नेक्स्ट आपको याद होगा ये था हेड नेक्स्ट, हेड नेक्स्ट जो कि ये वाला पॉइंटर है उसको मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, तो ये हेड नेक्स्ट ये होगा, मैं बोलूँगा हेड नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये वाला पॉइंटर इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है ये तो यहीं रहेगा, इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा हेड को, हेड नेक्स्ट इक्वल टू हेड नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ठीक है, हेड नेक्स्ट का नेक्स्ट हेड को पॉइंट करेगा, उसके बाद फिर हेड का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट करेगा, ये आपका नल को पॉइंट करने लग जाएगा, अब तो अब ये यहाँ पॉइंट ना करके नल को पॉइंट कर रहा होगा, उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा न्यू हेड, ठीक है, मैं ये वाला फंक्शन जो है वो न्यू हेड रिटर्न कर देगा और मुझे फाइनली यहाँ पर जो है वो न्यू हेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आपका रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को अंदर घुसना है, ठीक है, रिकर्सन के और अंदर जाना है और डीप स्टेप्स में जाना है, तो जरा एक बार वो डीप स्टेप्स में जाके देखते हैं, एक बार मैं थोड़ा लंबा एग्जांपल लेता हूँ उसका, हम थोड़ा डीप अंदर जाके देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर हमारा हेड जो अभी फिलहाल 10 को पॉइंट कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हेड नल है क्या, नहीं हेड नल नहीं है, न्यू हेड इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने फंक्शन कॉल कर दिया रिवर्स वाला फंक्शन दोबारा से, लेकिन इस वाले के लिए कॉल कर दिया, तो अब जो नया वाला फंक्शन होगा, तो पहले हमने फंक्शन कॉल किया था रिवर्स वाला,
उसके अंदर जो हेड था वो थी ये वाली नोड जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। इस फंक्शन ने कॉल कर दिया अगले रिवर्स वाले फंक्शन को, लेकिन इस बार इसके अंदर पड़ा हुआ है 5, ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट, उसके अंदर हेड डॉट नेक्स्ट के अंदर तो 5 पड़ा हुआ है। अब ये भी चेक करेगा क्या हेड नल है, देखिए हेड नल नहीं है, तो ये दोबारा से फंक्शन कॉल करेगा और हेड डॉट नेक्स्ट मतलब हेड ये था इसका जो नेक्स्ट है जो कि 7 है उसके लिए दोबारा से फंक्शन कॉल कर देगा, ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन दोबारा कॉल होगा लेकिन इस बार इसके अंदर पड़ा होगा एलिमेंट 7। सिमिलरली ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा, अब इसके बाद इसके अंदर हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल करेगा ये दोबारा से और हेड डॉट नेक्स्ट पे हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ, अब यहाँ पर इसके अंदर 4 पड़ा हुआ है, अब ये चेक करेगा क्या हेड नल है, तो हम देखेंगे हेड नल नहीं है, हेड नल नहीं है, ठीक है, हेड के अंदर 4 है। फिर चेक करें क्या हेड का नेक्स्ट नल है, तो हाँ हेड का नेक्स्ट एक्चुअली नल है, इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, तो क्योंकि इसका नेक्स्ट नल है तो हम रिटर्न कर देंगे हेड, तो ये वाला फंक्शन यहीं से रिटर्न कर देगा और रिटर्न करेगा ये 4। तो आप देख रहे हो हमारा जो लास्ट एलिमेंट था जो कि हमारा न्यू हेड बनने वाला है वो एक्चुअली रिटर्न हो रहा है, तो ये वाला एलिमेंट आपका रिटर्न हो रहा है। और इस वाले फंक्शन के अंदर जो कि रिवर्स 7 था, इस वाले फंक्शन के अंदर जो न्यू हेड है वो एक्चुअली 4 वाली नोड है, ठीक है, तो न्यू हेड इक्वल्स टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम बोलेंगे हेड नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो हेड ये था, हेड नेक्स्ट ये हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे हेड नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट मतलब इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल इस फंक्शन के लिए हेड हेड ये है, और फिर हेड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, तो हेड का नेक्स्ट ये था, अब हेड का नेक्स्ट इसे पॉइंट ना करके सिर्फ नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है वो अब नल को पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे, और ये वाला पॉइंटर अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर और रिटर्न कर देगा न्यू हेड। न्यू हेड अभी भी आपको याद होगा यही पॉइंटर था, तो अब ये वाला फंक्शन अगेन न्यू हेड रिटर्न करेगा, तो इस वाले फंक्शन के लिए जो कि यहाँ पर था, इस वाले फंक्शन के लिए भी न्यू हेड जो है वो यही रहने वाला है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रहेगी, इस वाले के लिए भी न्यू हेड यही रहने वाला है, और ये क्या करेगा हेड नेक्स्ट वर्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो इसके लिए हेड ये था, हेड नेक्स्ट ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हेड नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ये हेड नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट जो है वो हेड को पॉइंट करेगा, तो इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट ना करके अब इसका नेक्स्ट 5 को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ये हेड है, इसका नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट ना करके नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट अब जो है वो नल को पॉइंट करेगा और रिटर्न कर देंगे हम न्यू हेड। न्यू हेड अभी भी यही है, ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को न्यू हेड मिला ये वाला एलिमेंट। अब ये क्या करेगा, न्यू हेड इक्वल्स टू ये, तो न्यू हेड तो ये वाला एलिमेंट है, हेड नेक्स्ट इक्वल्स टू ये, तो हेड नेक्स्ट ये वाला बन जाएगा, फिर ये हेड नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, तो इसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, ये हेड है क्योंकि यहाँ पर। उसके बाद हेड डॉट नेक्स्ट को सुनल, तो हेड डॉट नेक्स्ट अब ये नहीं रहेगा, हेड डॉट नेक्स्ट जो आएगा वो नल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे न्यू हेड, तो न्यू हेड तो अगेन यही वाला एलिमेंट था, तो ये वाला फंक्शन भी जब रिटर्न करेगा तो ये इसी वाले पॉइंट इसी वाले नोड को रिटर्न कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप देखो ये पूरी पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स भी हो गई है और हम फाइनली इस वाले नोड के पॉइंट को रिटर्न कर रहे हैं जो कि एक्चुअली रिवर्स लिंक लिस्ट के अंदर न्यू हेड है, ठीक है, तो यही हमारा हेड रहने वाला है और ये हमारी लिंक लिस्ट भी यहाँ पर रिवर्स हो चुकी है। तो इस तरीके से ये काम करता है, बाकी हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती कभी भी यार, हम इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बस समझा दिया, लेकिन हमेशा फोकस करो कि आपको रिकर्सिव लीप ऑफ फेस समझ में आए अच्छे से। अगर आप लोगों को रिकर्जन को और अच्छे से समझना है तो मैंने ऑलरेडी इस डीएसए 1 कोर्स के अंदर रिकर्जन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, वहां पर आप अगर जाके देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को रिकर्जन समझ में आएगा, मल्टीपल वीडियोज हैं और मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको वहां पर रिकर्सिव लीप ऑफ फेस समझा रखा है, एक बार जाके वो चेक करना, आपको अच्छे से रिकर्जन समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरी। उसके बाद ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसके बाद हम और मल्टीपल क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंक लिस्ट के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर। ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।